तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो थोड़ा एग्ज़ाम प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, और वो जेन्युइन है, वो सबके लिए ही है, तो उससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं लेना है, और थोड़ा बहुत प्रेशर तो होना चाहिए जेन्युइन है अगर आपने तैयारी की है तो। एग्ज़ाम प्रेशर नॉर्मल सी बात है, पर जो अभी हमारे हाथ में वो है मेहनत करना। तो फिलहाल जितना भी टाइम बचा है उसमें हमें अपना 100% देके अपने सारे एफर्ट्स लगा के मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। तो देखो यार, रात में मेरा काफ़ी लेट हो जाता है, तो सुबह भी मैं लेट ही उठती हूँ। तो सुबह की पढ़ाई मेरी 10 साढ़े 10 इसी टाइम के समथिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि रात में काफ़ी देर तक पढ़ना रहता है और अभी एग्ज़ाम भी है। एक कमेंट था कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स और टाइम को मैनेज करती हो, क्योंकि घंटे तो सबके पास वही है ना, 24 आवर, और सब्जेक्ट भी अगर हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला लें तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो कैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करें, वो भी इतने कम टाइम में। अब तो देखो यार, मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतने इतने घंटे दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनमें से कुछ को प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है, वरना तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाए। हम इस तरह देखें कि इस जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा CDP और पैडागॉजी का रोल है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान तो पहले इस पर देना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें, वो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी वरना, पर प्रायोरिटाइज़ करने में हम सबसे पहले इनको रखेंगे, CDP और पैडागॉजी। सबसे पहले हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए, जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो हमें आने चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ हमें नहीं आएंगी तो हम एग्ज़ाम में बस तुक्के लगाते रह जाएंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब वो हम पढ़ लेंगे, उन्हें क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा जिस भी टॉपिक को हमने पढ़ा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है क्वेश्चन में। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि टॉपिक क्लियर करने के बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ मेरी मैराथन क्लास भी कम्प्लीट हो गई है, और फिलहाल टाइम हो चुका है 4। इसको कंप्लीट करने में 2.5 घंटा लगा, और अब मेरी चाय का भी टाइम हो गया है, तो अब लेते हैं थोड़ी देर रेस्ट। वैसे भी YouTube ने भी बोल दिया टाइम टू टेक अ ब्रेक। मैं अपना बताती हूँ, मेरा क्या था कि मैंने पहले CDP में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, देन उसके बाद जो हिमांशी मैम YouTube पे क्लास लेती हैं वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पे भी बेस्ड रहते हैं सारे क्वेश्चन, फिर उनको कर लिए थे, तो मुझे पता लग गया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से मेरी CDP तो ठीक हो गई थी, पर पैडागॉजी में मैं ठीक नहीं कर पा रही थी, और पैडागॉजी में क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंदी आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो ऐसे नहीं हो पाएंगे। देन फिर मैंने पैडागॉजी पे ध्यान दिया, कुछ टॉपिक्स क्लियर किए, देन उनके क्वेश्चंस लगाए। अब मैं सोच रही हूँ जो हिमांशी मैम ने लास्ट ईयर मैराथन कराई थी वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैराथन काफ़ी हेल्पफुल रहती है, उसमें ज़्यादातर सारी चीज़ कवर हो जाती है, तो अब मैं वो करना स्टार्ट करूँगी। और आज मैंने पहली मैराथन कर भी ली है। टाइम कम है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी को टाइम दोगे उतना ही अच्छा है, और टाइम मैनेजमेंट का तो यही है कि आप सब्जेक्ट या टॉपिक को प्रायोरिटाइज़ कर लो और उसके हिसाब से पूरा दिन अपना प्लान करो, टॉपिक को क्लियर करो, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में उतना ही टाइम कम जाएगा।
तो मॉक कंप्लीट हो गया, इसको चेक और इसका एनालिसिस दोनों हम कल करेंगे। तो फिलहाल इसको रख देते हैं और अभी मुझे करना है ये कुछ मेरे डाउट टॉपिक्स हैं उनको देखना है फिलहाल। तो टाइम हो चुका है 12, देखते हैं कब तक होता है, बस ये टॉपिक्स करके सो जाऊंगी मैं, शायद 1 या 2 बज जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो फिलहाल अब वीडियो का एंडिंग मैं ले नहीं पाऊँगी, तो गुड नाइट एंड टेक केयर।